यामा क्या देख रही हो? मैं भी ऐसी जगह पे पहली बार आया हूँ, फिर भी तुम पे ध्यान दे रहा हूँ ना। ऑर्डर सर। खाने में खास क्या है? सर देख लीजिए इसमें से आइटम। ये भाव देखने के लिए, अपने को पैसे का टेंशन नहीं है। राजमा चावल खाओगी? राजमा चावल है जी सर। दो प्लेट लेकर आ, और कोल्ड ड्रिंक भी एकदम ठंडा। ठीक है सर। वैसे काम वाम करते हो या नहीं? बहुत बड़ा काम करता हूँ। अपना स्टेट तो ड्राई स्टेट हो गया, तो दूसरे स्टेट से सस्ते में दारू खरीद के या महंगे में बेचता हूँ। समझ नहीं आ रहा तुमने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई। तुम चाहते तो मुझसे झूठ भी बोल सकते थे। ईमानदारी से गलत काम करता हूँ, फिर ये तो प्यार है। मैंने कब कहा मुझे प्यार है तुमसे? मतलब होने के चांस है। पता नहीं सब लोग हमें घूर घूर के क्यों देख रहे हैं। ये तो अच्छा है यहाँ पर कोई जान पहचान वाला नहीं दिख रहा। दुनिया वालों की सोचते रहेंगे तो जिंदगी में कभी आगे नहीं जा पाएंगे। क्यों, कहाँ जा रहे हो तुम? अगर तुम साथ दोगी तो कहीं भी जा सकता हूँ। मैं क्यों साथ दूँ तुम्हारा? बोलने से पहले सोचती हो, बस भक से बोल देती हो। क्या बोल रहे हो? देखो देखिए, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, बाकी जमता है तो बोलो। इतने बड़े होटल में कच्चे राजमा खिला रहे हैं। भाई यही वो दुकान है। ए, जा लेके उसे। हमारे एरिया में दारू बेचता है। एक सामान मत छोड़ना। ए, बस कर चल। दूसरी बार बेचे तो काट डालेंगे। ऐसा धोया कि नानी याद आ गई उनको। वो तो अच्छा हुआ, बहुत ही सस्ते में छूट गए वो लोग, वरना भाई होते तो काट ही डालते। आज के बाद दारू तो दूर, सोडा भी नहीं बेच पाएंगे वो लोग। आए बड़े हमसे पंगा लेने। यहाँ भैया जी की चलती है, भैया जी की। भैया जी से टकराने वाला मिट्टी में मिल जाता है, कहीं का नहीं रहता, उसका खेल खत्म हो जाता है। बोल रहा मुन्ना, यही लोग तेरे को हाथ लगा? यही था देवा। गलती की सजा तो दूंगा ही, पर पहले बोल जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई कौन करेगा? ए, तेरे को मालूम है कौन है हम लोग? तुम लोग की औकात तो बाद में बताऊंगा, पहले जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दे। कौन है वे तू जो हमारे एरिया में आके फुदक रहा है? बाकी पैसा निकालता या निकालूं? मालूम है तेरे को कहीं को छोड़ा, ताकि तू अपने बाप को बोल सके देव आया था। चलो रे। देख कल सूर्य और मिनिस्टर आने वाले, गाड़ी टाइम से भिजवा देना। ठीक है देवा। सर प्लीज मदद कीजिए, इन्हें अभी भी हार्ट अटैक आया है, इन्हें तुरंत हॉस्पिटल ले जाना। okay. जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाओ। डोंट वरी, आराम से। आप भी इंडिया से हैं क्या? हाँ। इमरजेंसी थी, सॉरी आपको परेशान किया। कौन थे वो, आप उनको जानती हैं? जानती तो नहीं, पर मैं अब बस का इंतजार कर रही थी, तभी उनको हार्ट अटैक आ गया तो इसलिए। अच्छा, कहीं ड्रॉप कर दूं आपको? नहीं नहीं थैंक यू, मैं चली जाऊंगी। आई एम श्योर, थैंक्स, नाइस टू मीट यू, यू टू, सी यू लेटर, बाय। देवा, इंडिया से सूरी मिनिस्टर को लेकर आया।
हेलो देवा, कैसे हो? ठीक हूँ। दीक्षा कैसी है? ये बताओ तुम यहाँ क्यों आए हो? वाइजैक में जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, इनकी वहाँ पर 700 एकड़ की जमीन है। डैड कहाँ है? इंडिया से कुछ लोग उनसे मिलने आए हैं, वो ऊपर उन्हीं से बात कर रहे हैं। तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? भूल जाओ। अगर तुम कबाब में हड्डी नहीं बनती तो हमारी अब तक शादी हो जाती। पर तुम बीच में क्यों पड़ रहे हो? इसमें तुम्हारा क्या फायदा है? डैड आज हॉस्पिटल। सूर्या, आप कब आए? मैं आज ही सुबह आया बेटा। क्या आप भी हमारे साथ रात को मूवी देखने चलोगे? सॉरी बेटा, मुझे रात को ही निकलना है, हमें हॉस्पिटल जाना है। याद है बेटा, आता। बाय बाय बेटा। कितना मुंह खोल रहा है तू? 200 करोड़। पैसों की लालच में इतना अंधा हो गया कि अपने ही लोगों को धोखा देने को तैयार हो गया। शर्म नहीं आती तुझे? मैं उन्हें धोखा कहां दे रहा हूं? गवर्नमेंट जगह देगी ना उन्हें? जगह लेने के लिए पेपर्स की जरूरत लगती है, और वहां वो पेपर्स के नहीं, मेरे भरोसे रहते हैं। जब तक मेरा हाथ उनके सर पे है, कोई उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। लोगों ने वोट देकर तुम्हें अपना नेता बनाया, उनकी परेशानियां दूर करने के लिए, ना कि अपने मतलब के लिए, उन्हें बढ़ाने के लिए। अगर तू इसकी तरफदारी करेगा तो मैं उनकी तरफदारी करूंगा। अगर तुमने मेरा काम करवा दिया तो मैं तुम्हें 600 करोड़ दूंगा। और क्या बोलता सूरी, जुआ खेलना छोड़ दिया या जुआ में अपना सब कुछ हार गया? मैंने छोड़ दिया। तुम्हारी डिमांड क्या है वो बोलो। मुझे हॉस्पिटल जाने के लिए देर हो रही है, मैं निकलता हूँ। ठीक है देवा। अरे वो मगरमच्छ है, उससे पंगा मत लो। मगरमच्छ और कुत्ते में ज्यादा फर्क नहीं होता, उन्हें सिर्फ बोटी चाहिए। लेकिन देवा शेर है, ये तुम्हें नहीं पता। अब चलो। हाँ डॉक्टर। हेलो देवा। शी इज नॉट कीपिंग वेल, सो कैन यू हैव अ लुक एट हर? ओके, लेट मी चेक। थैंक यू। मैं भी साथ में जाता हूँ। हाय। हाय। आप यहाँ पर कैसे? अपनी बेटी का चेकअप कराने आया हूँ। ओके, डोंट वरी, मैं चेक करती हूँ। थैंक यू। देवा, मिनिस्टर का फोन आया था, उसने मुंबई में हमारे कंटेनर्स लोड करने से मना कर दिया। उसी का फोन है सर। बहुत साल जिएगा तू। मिनिस्टर साहब से तेरी बात कर रहा था मैं। माल का क्या हुआ? आखिरी बार तुमसे कह रहा हूं, तुम्हारा माल तभी लोड होगा जब हमारा माल वापस कर दोगे। कार्तिक को मेरे पास भेजो। तब तुम ठीक हो? हाँ। स्कूल जाने के लिए एक्साइटेड हो? हाँ। फिक्र की कोई बात नहीं है, बस वायरल है, सिर्फ 2-3 दिन का आराम चाहिए, बिल्कुल ठीक हो जाएगी। थैंक यू। चलते हैं। बच्चे आजकल जंग खाते रहते हैं, इसलिए तबीयत खराब हो जाती है। ये मैडम कौन है? गजनीकांत बन गई हो क्या? लगता है दवा खाने से तुम्हारे दिमाग पर जोर पड़ गया है। अभी थोड़ी देर पहले मिली थी और इतनी जल्दी भूल गई। सोच रही थी अगर मोना के जगह एक नई मेड ले आऊं तो कैसा रहेगा। हाँ हाँ, याद आ गया, कल जब हम वापस आ रहे थे ना तो रास्ते में एक आदमी को हार्ट अटैक आया था। अगर ये मैडम वहाँ नहीं होती तो उसकी जान चली जाती। शादी हो गई है क्या? तुम कहना क्या चाह रही हो? कोई दूसरी लड़की मिल जाए तो मैं मोना को छोड़ दूंगा? चांस ही नहीं है। मुझे ऐसे क्यों घूर रही है? मुझे नहीं लगता वो शादीशुदा है। चलो बैठो। सी यू। बाय बाय। सी यू डॉक्टर। हेलो। तुमने कहा था ना कि तुम्हारा माल वापस कर दूं, तो तुम्हारा माल वापस लौटा दिया मैंने, और ज्यादा दूर नहीं है, वही वॉशरूम में है। देवा, तुम हजारों किलोमीटर दूर हो फिर भी तुम्हारा डर महसूस कर सकता हूँ। तुम्हारे पास पावर आई है, मैंने अपनी पावर खुद बनाई है,
आइंदा उलझना मत। सॉरी, मुझे माफ कर दो देवा। प्लीज गेट मी आउट ऑफ दिस, प्लीज। मेरे आदमी बाहर खड़े हैं, उन्हें अपना कार्ड दौड़ निकल जाओ और उस लड़की को भी साथ ले जाओ। एंड बाय द वे, हैप्पी बर्थडे। ये लो। हेलो। हाय डॉक्टर। हाय, तबीयत कैसी है? अब ठीक है। अच्छी बात है। और फीवर कम हुआ? हाँ, हो गया। आप घर पर आने वाले थे ना? कब आओगे? अगली वीक पक्का आऊंगी। डैड, डॉक्टर का फोन है। दीक्षा, हेलो। हाय काजल, गाड़ी भेज रहा हूँ, लंच के लिए आ जाना। ठीक है, मैं एक घंटे में पहुंच जाऊंगी। ओके बाय। हाय। हेलो, हाउ आर यू? आई एम गुड। हाय। सॉरी लेट हो गई। अरे कोई बात नहीं, बैठिए। हाँ, ये वीनू खाना रखने के बाद हमेशा पानी रखना भूल जाता है। बेटा वीनू लेकर आ जाएगा, तुम बैठो। अब मैं बड़ी हो गई हूँ डैड, अपना काम कर सकती हूँ। अभी दो मिनट पहले तुमने क्या कहा उसका रिपीट टेलीकास्ट करो। मैंने कहा मैं बड़ी हो गई हूँ और अपना काम कर सकती हूँ। हेलो वीनू, कहाँ हो तुम? क्या हो गया? इसी वक्त ऊपर आओ। हाँ आता हूँ। क्या हो गया? मुझे वो रिमोट दो। अरे सामने तो है। हाथ नहीं पहुंच रहा। क्या हुआ, रिमोट की बात सोच रहे हो? तुम मरवाओगी मुझे। अब देवा को लगेगा मेरा काम पे ध्यान नहीं है, वो काम से निकाल देगा मुझे, फिर मोना का क्या होगा? वो बुद्धू, तुम जरा सा भी नहीं समझते। पानी मैंने ही हटाया। लेकिन क्यों? ऑफ कोर्स। शेयर मार्केट ऊपर चल रही है। ये दोनों क्या बातें कर रहे होंगे? और क्या बात हो रही होगी? डॉक्टर मरीजों के बारे में बता रही होंगी, देवा बिजनेस के बारे में बता रहा होगा। अगर तुम्हें इसका टेस्ट पसंद ना हो तो मैं कुछ और ऑर्डर कर सकता हूं। नहीं नहीं। कौन सी क्लास में हो तुम? 8th स्टैंडर्ड। देवा तो इसे डॉक्टर बनाना चाहता है, पर ये तो एक्टर बनना चाहती है। बाय द वे, कल हम घूमने जा रहे हैं। अगर तुम चाहो तो साथ आ सकती हो। हाय डॉक्टर। हाय, सी यू। ओके बाय। देवा कहाँ है? वो रहे डैड। यहाँ घूमने के लिए इतना कुछ है, एक चीज दिखाओ। वो देख रहे हो? दीक्षा तुम्हें देख रही है। जानती हो यहाँ की कॉफी शॉप स्पेन की नंबर 1 कॉफी शॉप है। तुम्हें तो बहुत कुछ पता है। जीके में पढ़ा था। बहुत इंटेलिजेंट है ये। काजल के भाई ने वक्त से पहले ही जॉब से रिटायरमेंट ले लिया और पीएफ के पैसों से अपनी बहन की पढ़ाई पूरी करवाई। अगर काजल ने शादी कर ली होती तो घर में कमाने वाला कोई नहीं होता, इसलिए अभी तक शादी नहीं की।